हेलो फ्रेंड्स, हॉट एंड श्योर चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं मंजू आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ होली में बनाए जाने वाले मीठे पुए की रेसिपी, जो कि यूपी और बिहार में होली पे ज़रूर बनाई जाती है। बहुत आसान सी रेसिपी है और ऑलमोस्ट सभी घरों में ये बनाई ही जाती है। तो चलिए फिर हम ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो मीठे पुए बनाने के लिए देखिए हमें जिन सामग्री की ज़रूरत है उसे मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है मैदा, और मैदा जितना लिया है उससे आधा मैंने लिया हुआ है सूजी, और सूजी मैंने बारीक वाली ली है, और जितनी मैंने सूजी ली है उतना ही मैंने चीनी लिया है। और सूजी अगर आपके पास मोटी है तो आप उसको पीस करके मिक्सी में बारीक कर लें। एक बर्तन में हम मैदा, सूजी और चीनी तीनों चीज़ों को ले लेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके इसका हम घोल तैयार करेंगे। और दूध जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो दूध हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा, और फुल फैट मिल्क का यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारे पुए काफ़ी टेस्टी बनेंगे। और दूध एक बार में ना डालें, थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और उसके बाद से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि इसे हम तब तक अच्छे से इस घोल को तैयार करेंगे जब तक कि हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। चीनी के पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, और अगर हम इस तरह से दूध डाल करके मिक्स करते हैं तो बहुत जल्दी हमारी चीनी जो है मिक्स हो जाती है और एक स्मूथ सा घोल हमको एकदम तैयार हो जाएगा। तो देखिए हमारा ये स्मूथ सा घोल अच्छे से तैयार हो गया है, लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी चीनी मेल्ट नहीं हुई है, तो मैं इसे 2 मिनट और अच्छे से फेंटते हुए तैयार कर लूँगी। और देखिए एकदम स्मूथ सा हमारा घोल तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पर ना बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा इनो किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करूँगी, इसलिए मैं इस बैटर को फूलने के लिए 2 घंटे के लिए रख दूंगी, और उसके बाद फिर हम इसके पुए बनाना शुरू करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इस पुए को बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम दूध लिया था, जिसमें से मेरा 3/4 कप दूध बच गया है। और ये दूध भी रख देते हैं क्योंकि हमने इस मिश्रण में जो उसका सूजी का यूज़ किया हुआ है, और 2 घंटे बाद जब सूजी फूल जाएगी तो हमें और दूध की आवश्यकता पड़ेगी, तो ऑलमोस्ट इसमें हमारा 0.5 लीटर दूध लग जाएगा। तो चलिए हम मिलते हैं 2 घंटे के बाद, और उसके बाद से फिर हम अपने घोल को देखते हैं। 2 घंटे हो चुके हैं, और 2 घंटे के बाद देखिए हमारी सूजी जो है अच्छे से तैयार हो गई है, और हमारा जो ये घोल है ये भी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो अब हम इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिक्स करेंगे, और उसके बाद फिर से हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके हमें जिस तरह का मिश्रण चाहिए उसको हम डालेंगे। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ एक केला। तो देखिए केले को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे, और फोक की हेल्प से इसको अच्छे से हम मैश कर लेंगे। इसको आप मिक्सी में बिल्कुल ना चलाएं, इसी तरह से इसको मिक्स करें। और फ्रेंड, अगर आप चाहें तो केले का यूज़ ना करें तो चलेगा, लेकिन केला डालने से क्या होता है कि हमारा टेस्ट जो है पुए का काफ़ी बढ़ जाता है, और पुए की जो सॉफ्टनेस होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको अच्छे से हम मैश कर लेंगे, और मैश करने के बाद इसमें डाल देंगे। उसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। आप जितना चाहें या ना चाहें तो आप ना भी डालें, कोई बात नहीं है। फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, और उसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ नारियल का बुरादा, नारियल का कोपरा। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और थोड़ा थोड़ा फिर हम दूध डाल करके इसका स्मूथ घोल हम तैयार करेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, घोल हमें बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा रखना है ना पतला, बस इस तरह की हम ऊपर से जब इसको हम तेल में छोड़े तो ये अपने आप ही फैल जाए, इसको हमको फैलाना ना पड़े, बस इतना ही रखना है। लेकिन अगर आप फ्रेंड्स हैवी पुए थोड़े से चाहते हैं तो आप बैटर यहाँ पे थोड़ा सा गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़े से हल्के पुए ही बनाऊंगी जो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, एकदम मुंह में जाते के साथ ही घुल जाते हैं। तो उसके लिए हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। तो ये हमारा तैयार हो गया है। दूसरी साइड पे चलिए हम तेल भी गर्म कर लेते हैं और फटाफट से पुओं को फ्राई कर लेते हैं। तो तेल हमने यहाँ अच्छे से गरम कर लिया है, आप चाहें तो इसको रिफाइंड ऑयल में या फिर देसी घी में बना सकते हैं। और एक करछिल की हेल्प से हम इसमें पुए डालेंगे। हमें पुए सिर्फ सेंटर में डालना है, और उसको जितना फैलना होगा वो खुद से ही फैल जाएगा, हम पुए को फैला फैला कर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। उसके बाद से हम थोड़ा सा जो ये तले में लग गया है इसको हटा देंगे, तले से छुटा लेंगे, और ऊपर से हम इसमें गरम गरम तेल या घी जो भी है वो डालना शुरू करेंगे, और पुओं को जितना फूलना होगा वो अपने आप भी खुद फूल जाएंगे। तो देखिए ये पुए हमारे जो हैं वो फूल गए हैं। मेरा ये पहला पुआ है, थोड़ा सा शायद किनारे से नहीं फूल रहा है, कोई बात नहीं है।
तो बस एक तरफ से जब वो फूल जाएगा तो हम इसको पलट लेंगे और बस इसको हम दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन होने तक पका लेंगे। और फ्रेंड्स, इस पुए की खासियत यही है कि जब हम इसको केला डालते हैं ना, तो केला डालने से पुए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली ये बात है कि जो हम केले का यूज़ करेंगे वो केला हमारा अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड या फिर कच्चा केला थोड़ा सा यूज़ कर लेंगे तो उसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, जिससे कि हमारे पुए सॉफ्ट नहीं होंगे और पुए के फटने का भी डर रहेगा। तो ये छोटी सी कुछ छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनको हमको हर रेसिपी में ख्याल रखनी होती है। तो हम यह पका हुआ केला लेंगे और उसको अच्छे से मैश करके डालेंगे। और देखिए, जब हम पुए जो हमारे एक दोनों तरफ से सिक जाएंगे तो हम उसको रख करके इस तरह से इस स्पैचुला पे और थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि पुए थोड़ा सा जो तेल है वो पी ही लेते हैं। तो इस तरह से एक्स्ट्रा तेल हम इसका सब निकाल देंगे और इसको हम एक किचन टॉवल पे रख लेंगे। और इसी तरह से फिर हम दूसरे पुए भी बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए, दूसरा पुआ भी मैंने डाल दिया है और उसको भी हम नीचे से थोड़ा सा तली से छुटा लेंगे, क्योंकि ये मेरा जो कढ़ाई है जिसमें मैं फ्राई कर रही हूँ ये फैला हुआ है। जो गहरा होगा आपका कढ़ाई, उसमें इस तरह से आपको छुटाना नहीं पड़ेगा। और देखिए, इसी तरह से सारे पुए हम बना लेंगे। जैसे ही पुए हमारे नीचे तली छोड़ देंगे तो हम उसके ऊपर गरम गरम घी या तेल डालेंगे। उसके बाद से पुए जितना फूलना होगा वो खुद से फूल जाएंगे। उसके बाद हम इसको पलट करके दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। और पुओं को तलने के टाइम पे ध्यान रखना है कि गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम ही रखें, लो मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको पकाएंगे। नहीं तो अगर हम गैस का फ्लेम तेज कर लेंगे तो हमारे पुए जो हैं वो जल्दी से डार्क हो जाएंगे और अंदर से वो कच्चे ही रह जाएंगे। तो मैदे अच्छा हमारा मैदा जो अच्छे से अंदर से पका हो, इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं। तो बस आप इन्हीं छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हुए इस होली पे इस तरह से यूपी स्टाइल पुए बनाइए और अपना फीडबैक देकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो देखिए, इस तरह से बनते बनते पुए जो हैं वो चारों तरफ से अच्छे से फूलने लगे हैं। तो बस हमारे सारे पुए बन करके तैयार हो जाएंगे इसी तरह से, और फिर हम उसको सर्व कर लेंगे। देखिए, सभी पुए यहाँ पर बन गए हैं और ये पुए इतने सॉफ्ट होते हैं ना फ्रेंड्स, बिल्कुल जिस तरह से पूड़ी होती है ना, एकदम पूड़ी की तरह पुए ये हमारे सॉफ्ट होते हैं और मुँह में जाते के साथ ही घुल जाते हैं। तो आई होप कि आज की आप मेरी ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए, हम एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।